हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी और आज का मेरा प्रोडक्ट है ये मेबलिन का द न्यूड्स आई शेडो पैलेट। तो इसमें पूरे 12 सेट्स आते हैं और ये ऐसा आपको दिखेगा कुछ बॉक्स सा। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की पॉलीथीन से आती है और इसके साथ एक ये एप्लीकेटर इसका आता है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी एप्लीकेटर की। जो इसका एप्लीकेटर है, जो इसके 12 सेट्स हैं वो तो सारे हैं ही कमाल के, और प्लस जो इसका एप्लीकेटर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपके पहले इसको ये सारे यूजेस इसके एप्लीकेटर के यूज बता देती हूँ। तो देखिए, आप जब आप इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसा हार्ड सा दिखेगा, इसमें जो है ब्रश सा। तो एक तो आप इससे अपने आपने स्मोकी आई करना है, आपने कुछ भी आई शेडो नीचे आईज में लगाना है तो आप इसे इजीली स्मच कर सकेंगे। और आपने इसे कुछ भी, जैसे आप आई शेडो लगाते हो उसके बाद फिर आपको आपको कुछ ग्लिटरी शेड ऊपर से डिपॉजिट करना होता है तो उसके लिए होता है ये। इसके डबल काम ये होगा, डिपॉजिट करने के लिए, स्मजर ब्रश के लिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरफ ब्रश की, शायद आपको दिख रहा हो इस कैमरे में। तो जो ये ब्रश है ये थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बेंडेबल है थोड़ा सा ये। तो और ये थोड़ा सा इसके जो ब्रशेस हैं ये काफ़ी डेंस हैं, डेंसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसके यूज़ में आपको बता दूँ ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है। अगर आपके पास कोई स्मॉल थिन ब्रश नहीं है तो आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके इसके यूजेस बता देती हूँ। इसके यूजेस फर्स्ट ये है कि आपने अपने आई कॉर्नर हाईलाइट करना है तो आप इसे अपने आई कॉर्नर हाईलाइट कर सकती हैं। आपने अपने आईब्रो हाईलाइट करनी है तो आप इसे अपने आईब्रो हाईलाइट कर सकती हैं। प्लस आपने अगर इसे कहीं आपकी लिपस्टिक आपने लगाई हुई है वो अगर कभी कभी हो जाती है स्मच तो उसे आपने कंसीलर लेके करेक्ट कर लेनी है। तो ये एक पर्पज़ के लिए नहीं, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। मुझे, मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये इसका जो शेड है वो सारे तो मुझे अच्छे लगे ही हैं और प्लस मुझे इसका एप्लीकेटर मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये तो होगी एप्लीकेटर की बात। अब मैं बात करती हूँ इसके इस पैलेट की। तो जो सबसे पहले इसमें देखो, अब मैं आपको इसकी यूज़ से बताती हूँ। ये आपको डार्क ब्लैक, इंटेंस ब्लैक चारकोल दिया हुआ है। ये आप इसे अपने स्मोकी आई करनी है, ये पर्टिकुलर स्मोकी आई के लिए ही मतलब अच्छे से यूज़ होता है। बट आपने अगर कहीं कुछ और भी डार्क आई करनी है, फिर आपने दो तीन कलर लगा कर करना है तो ये अच्छा है। और ये डार्क ब्राउन में है, थोड़ा प्लम में है, ये गोल्डन में है, और ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें चार मैट कलर हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें आपको 4 मैट कलर मिलेंगे और बाकी में सभी में थोड़ा थोड़ा पास से दिख रहा होगा आपको, सभी में थोड़ा थोड़ा ग्लिटर है। ज़्यादा वो ऐसा गंदा वाला ग्लिटर नहीं है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से, बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, जो अगर आप अपने लगाते हैं लिड पे तो अच्छे दिखेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चमक रहा हो, एकदम से शाइन कर रहा हो अलग से, ऐसा आपने कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप और इसके एक और चीज़, जैसे आप यूजली हम लोग सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो ये हाइलाइटर यूज़ करने के लिए है, ये हाइलाइटर यूज़ करते हैं। आपने गोल्डन यूज़ करना है तो आप गोल्डन हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे सब जो इसके सारे, अगर आप बिगनर हैं, मैंने अभी अपने पास्ट वीडियो में एक बताया था बिगनर ब्रशेस के लिए, उसी तरह ये एक बिगनर के लिए है। आई ब्रशेस सारे, आई शेडो जितने भी हैं ये सारे कलर बिगनर के लिए हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में मेकअप करना स्टार्ट करते हैं अपना तो आपको इतना ज़्यादा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बोल्ड कलर नहीं अच्छे लगते हैं। आप डेली ऐसा पर्पल, येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसा आप लगाना नहीं पसंद करेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए अपने के लिए न्यूड्स कलर आपके लिए अच्छा होगा, और मैं खुद को भी एक बिगनर मानती हूँ तो इसीलिए मैंने भी ये बिगनर कलर, बिगनर के लिए ही ऐसे ही न्यूड्स कलर लिए हैं। और मुझे थोड़ा सा न्यूड्स कलर अच्छे भी लगते हैं, मुझे वो थोड़ा कभी कभी पार्टी वगैरह जाने के लिए, शादी वगैरह में चल जाता है। तो हम खुद शादी, अगर किसी पर्टिकुलर शादी पार्टी में जाना होता है तो हम पार्लर जाते हैं, और जब पार्लर जाते हैं तो सारा मेकअप वहीं हो जाता है। इसलिए बेसिक कलर आपके पास होना ज़रूरी है और इसमें सारे बेसिक कलर हैं। बस मुझे इसकी एक बात नहीं है, थोड़ी सी ड्रॉबैक लगती है, इसका डिसएडवांटेज ये लगता है मुझे कि इसमें थोड़ा मिरर नहीं है, ट्रांसपेरेंट, जो आप ये मिरर देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है। और मतलब जो जो जितने सारे कलर आप देख रहे हैं, जितना इसमें दिख रहा है पिगमेंटेड, ये एक्चुअली उतने पिगमेंटेड नहीं है। मतलब मैं आपको अगर आपको दिखाऊँ
मैं आपको इसमें मैं एक बार ऐसे करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे यहाँ पे अपने मैं डबल एप्लीकेशन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप शायद देख पा रहे हो रैंड, शायद आपको दिख रहा हो। तो ये मतलब उतने पिगमेंटेड नहीं है, जितना इसमें दिख रहा हो उतना भी नहीं पिगमेंटेड है। तो आपको काफ़ी लाइट लाइट मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा पिगमेंटेशन ज़्यादा चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आई शेडो ब्रश में आप एक काम करिए कि जो टिश्यू वेट टिश्यू में आप अपने ब्रश को ऐसे थोड़ा सा स्मच कर लीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। थोड़ा आपका जब ये ब्रश थोड़ा वेट हो जाएगा फिर आप अप्लाई करेंगे अगर आई शेडो हो तो, वो एक थोड़ा सा उससे अच्छा शायद इसका डबल विदाउट वेट ब्रश के आप फर्स्ट एप्लीकेशन डबल एप्लीकेशन में जो कलर आएगा वो आपका वेट ब्रश से एक एप्लीकेशन में ही अच्छा पिगमेंटेड आपको दिख जाएगा। तो आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं बस। बाकी तो मुझे इसमें कोई ड्रॉबैक कोई डिसएडवांटेज नहीं लगता है इसका। बाकी मुझे सारे कलर ही बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और एक थोड़ा ये भी लगता है कि ये ऐसा मतलब इसका ये प्लास्टिक सा नहीं है, अगर ये कभी गिरा तो ये टूट भी सकता है। तो और इसमें मिरर नहीं है, तो अगर इसमें मिरर होता तो हम कहीं से कैरी करते हैं तो इजीली से अपना अच्छे से मेकअप सब जानते हैं, अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। इसमें मिरर भी नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है। और अब मैं इसको आपकी प्राइसिंग के बाद बता दूँ तो ये प्राइसिंग इसमें 8,900 है, इसमें 899 8,899 है समथिंग। बट मैंने इसे 6,700 में परचेस किया था। मैं आपको अगर आपको परचेस करना है तो मैं इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये था मेरा आज का इसका रिव्यू। और जब कभी मैं इसे एक पर्टिकुलर कोई मेकअप करूँगी आईब्रो आई शेडो लगाने के लिए तो मैं उसको आपको अलग से करके बताऊँगी। अभी मैंने इसका सिर्फ रिव्यू किया है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।